आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। और कासिम नानुतवी कौन है जिसने ये इल्म कुरान व हदीस का हासिल किया? कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह इसहाक से इल्म हासिल किया, शाह इसहाक ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी ने शाह अब्दुल अजीज से, शाह अब्दुल अजीज ने शाह वलीउल्लाह से, शाह वलीउल्लाह ने शेख अबू ताहिर मदनी से, शेख अबू ताहिर ने मोहम्मद बिन अहमद साहेब मजमूल बहार से, अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद साहेब ने हाफिज हुसामुद्दीन से, हाफिज हुसामुद्दीन ने शेख रबी इब्ने सबी से, शेख रबी इब्ने सबी ने दो वास्तों से इमाम ऐनी तिर्मिजी से, इमाम ऐनी तिर्मिजी ने इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी ने हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम अबू हनीफा ने अनस बिन मालिक से, अनस बिन मालिक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे दोस्तों, कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह ये इल्म दुनिया में फैलाते हैं। इस इल्म का शजरा कासिम नानुतवी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। मेरे दोस्तों, ये कहना कि चलो इल्म तो तुमने इस तरह हासिल किया कि इल्म का सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, लेकिन विलायत हमारे पास है, गदियां हमारे पास है, पीरी हमारे पास है, तकदीस हमारे पास है, नक्शबंदी हमारे पास है, सहरवर्दी हमारे पास है, चिश्ती हमारे पास है, कादरी हमारे पास है। दुनिया के अंदर उलमाए देवबंद को बुरा कहने वालों, आओ देवबंद के मरकज, अगर इल्म मिलता है, अगर तकदीस मिलती है, अगर रियाजत मिलती है, अगर जिहाद मिलता है, अगर तफक्कुर मिलता है, अगर तक्वा मिलता है, अगर कुरान मिलता है, अगर हदीस मिलती है, तो इसी देवबंद के मसनद पे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकत भी मिलती है, नबी की विलायत भी मिलती है, और नबी की बुजुर्गी भी मिलती है, नबी की तहारत भी मिलती है इसी देवबंद की बरकत से। इसलिए कि कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने विलायत का सबक पाया था मियाँ जी नूर मोहम्मद से, मियाँ जी नूर मोहम्मद ने शेख अब्दुल बारी से, शेख अब्दुल बारी ने शेख अब्दुल हादी से, शेख अब्दुल हादी ने शेख अजुद्दीन से, शेख अजुद्दीन ने शेख अब्दुल हक से, शेख अब्दुल हक ने शेख अब्दुल खुद्दूस गंगोही से, शेख अब्दुल खुद्दूस गंगोही ने ख्वाजा जलालुद्दीन थानेसरी से, ख्वाजा जलालुद्दीन थानेसरी ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलेरी से, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलेरी ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र से, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्र ख्वाजा अली अजवेरी से, ख्वाजा अली अजवेरी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने शेख मोहम्मद बिन अहमद से, शेख मोहम्मद बिन अहमद ने सुल्तान बिन उमेरा से, सुल्तान इब्ने उमेरा ने ख्वाजा फुजैल बिन अयाज से, फुजैल बिन अयाज ने हसन बसरी से, हसन बसरी ने हजरत अली अल मुर्तजा से, अली अल मुर्तजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारा ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, इल्म में भी हमारा सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, विलायत में भी हमारा सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। कायनात में इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के खुदार आलमदार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद।